Hello students, here Preeti Yadav from Puran Murthy Global School. Today we will do chapter 1 of class 4. The chapter name is Input and Output Devices. Today we will learn about input and output devices ki computer ke kaun se device input category mein aate hain aur kaun se output mein. So let's start. First of all I am just reading, then we will sort out the exercise. कंप्यूटर इज़ यूज्ड एवरीवेयर दीज डेज. आपने देखा होगा कंप्यूटर का यूज़ आजकल हर प्लेस पर है, हर फील्ड में है. यू कैन डू योर वर्क, योर होमवर्क और प्ले गेम्स ऑन इट. आप इसका यूज़ अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, गेम्स प्ले करने के लिए करते हैं. मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स और स्मॉल किड्स आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट हियर. यू कैन डू सो मच मोर टू. इसके अलावा आप और भी वर्क कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू मेक नेम ऑफ द पार्ट्स वी सी इन अ कंप्यूटर. अब यहाँ पे जो बुलेट्स एंड दिए हुए हैं, हम इन बुलेटिन को वन बाय वन रीड कर रहे हैं. डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस. जो हम डाटा को एंटर कराते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ कीबोर्ड और माउस से. कीबोर्ड और माउस मेरा किस कैटेगरी में आता है? इनपुट कैटेगरी में. डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसे हम क्या बोलते हैं? CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेरी क्या है? एक फुल फॉर्म है, ठीक है. प्रेजेंट इन द कैबिनेट, जो कैबिनेट के अंदर प्रेजेंट होता है. आउटपुट इज डिस्प्लेड बाय द मोनिटर. अब आउटपुट हम किससे डिस्प्ले कराते हैं? मोनिटर से, है ना, कि हमारा आउटपुट यहाँ पे जो मैं शो कर रही हूँ वो किसे हमारा शो हो रहा है? मॉनिटर. जस्ट बिकॉज कि मॉनिटर भी हमारी क्या है? एक आउटपुट स्क्रीन है. डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर, अ माइक्रोफोन, अ स्कैनर, स्पीकर एटसेट्रा आर आल्सो कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. ये सब किससे कनेक्टेड है? कंप्यूटर से. हियर आई एम मार्किंग डिफिकल्ट वर्ड्स. ये आपको डिफिकल्ट वर्क भी मार्क करने हैं. इन योर फेयर नोटबुक यू हैव टू राइट ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन स्पेलिंग डेट इज कंप्यूटर. आफ्टरवर्ड्स होमवर्क, प्रोसेस्ड, कीबोर्ड, माउस, आउटपुट, प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्कैनर, स्पीकर. दीज ऑल आर डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, तो लेट्स प्रोसीड नाउ. अब हम बात करते हैं डिवाइसेस की, कि हमारे डिवाइस कौन से हैं. वी विल रीड अबाउट देम. इनपुट डिवाइस आर द डिवाइस विद विच यू कैन एंटर डाटा इनटू योर कंप्यूटर. जिनसे हम डाटा को एंटर कराते हैं कंप्यूटर में, वो डाटा एंटर कराने वाले सोर्स हमारे क्या हैं? कीबोर्ड और माउस. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे इनपुट की कैटेगरी में. नाउ आउटपुट डिवाइस. यू आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस विच डिस्प्ले द आउटपुट. फॉर एग्जांपल मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये हमें हमारा आउटपुट शो करते हैं. तो ये क्या हुए? मॉनिटर एंड प्रिंटर. नेक्स्ट कंप्यूटर पेरिफेरल. कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टेकन टुगेदर. पेरिफेरल में हम इनपुट और आउटपुट दोनों को लेते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इन डिटेल. अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को हम डिटेल में रीड करेंगे. कि हमारे इनपुट डिवाइसेज कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेज. इनपुट डिवाइसेज आर द डिवाइसेज थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इन टू कंप्यूटर. जस्ट बिकॉज ऑफ डैट हमारा डाटा एंटर होता है कंप्यूटर में. और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हेयर एग्जाम्पल ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड और माउस देखिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं हमारे इनपुट डिवाइस के.
लेट मी टेक योर कीबोर्ड, ये आपको स्पेलिंग्स भी रीड करनी है, लर्न करनी है और नोटबुक में राइट डाउन भी करनी है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू टाइपराइटर. देखिए जो इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में हम ये देख रहे हैं ये किसके सिमिलर है, टाइपराइटर के. इट इज़ ऑल्सो हैव सम एक्स्ट्रा कीज, इसमें कुछ हमारी एक्स्ट्रा कीज भी होती हैं डेट परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशन, जो वेरियस ऑपरेशन को बताती हैं. टेक्स्ट और एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी एंटर into a computer using a keyboard. ठीक है, keyboard से हम अपना data enter कराते हैं. Next I'm taking here mouse ले रहे हैं. Another commonly used input device, ये भी हमारा दूसरा input device है, एक input device की category में है. It has left button. देखिए यहाँ पे जो हमारा show है, यहाँ पे जो show हो रहा है ये हमारी क्या है, left button. ठीक है, और इधर से ये हमारा नेक्स्ट वन राइट बटन. ठीक है, यहाँ पे ये हम शो करते हैं अपने लेफ्ट और राइट बटन्स को. इट हैज़ लेफ्ट बटन राइट बटन डेट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, जो वेरियस फंक्शन को शो करता है. इट हैज़ स्क्रॉल व्हील, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, स्क्रॉल व्हील है. ठीक है, इट हैज़ स्क्रॉल व्हील डैट वर्क्स एट थर्ड बटन, ये हमारा थर्ड बटन का काम करता है जो स्क्रॉल व्हील है. नेक्स्ट ट्रैक बॉल, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं ट्रैक बॉल की, इट इज विजिबल टू यू ऑल. ट्रैक बॉल हमारा क्या काम करती है, सी ट्रैक बॉल कैन यूज इन प्लेस ऑफ माउस, ये माउस के प्लेस पे यूज होती है. दिस इज बिकॉज अ ट्रैक बॉल. जी हमारी ट्रैक बॉल क्यों है, क्योंकि माउस के प्लेस पे यूज है. अ माउस आर सिमिलर, दोनों सेम काम करते हैं. इट इज़ यूज टू मूव पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे पॉइंटर को शो करने के लिए यूज किया जाता है. बाय रोलिंग अ बॉल ऑन द टॉप ऑफ अ फिंगर, हमारी टॉप ऑफ फिंगर पे. अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देखो आपने माउस भी देखा ट्रैक बॉल भी देखी. ट्रैक बॉल में हमारी जो बॉल है वो अपर साइड पे है ना, और जो हमारी माउस में जो बॉल है वो लोअर साइड पे है. दोनों काम स्क्रॉलिंग का कर रही हैं, बट दोनों में डिफरेंस हमारा क्या है, ट्रैक बॉल में हमारी जो बॉल है स्क्रॉलिंग बॉल है वो अपर साइड पे रहेगी, जबकि माउस में हमारी ट्रैक बॉल लोअर साइड पे रहेगी. नेक्स्ट आई विल टेक जॉयस्टिक. अब जॉयस्टिक क्या काम करता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आई एम हाईलाइटिंग स्पेलिंग, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. अ जॉयस्टिक इज कॉमनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे गेम प्ले करने के लिए यूज किया जाता है. इट प्रोवाइड्स एन ईजियर एंड बेटर कंट्रोल देन कीबोर्ड, कीबोर्ड की बजाय इसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा है और ईजियर भी है. इट इज़ यूज टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट आई विल टेक स्कैनर. अब स्कैन, नेक्स्ट आई विल टेक हियर लाइट पेन. देखिए लाइट पेन की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि लाइट पेन हमारा है क्या, ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन डायरेक्टली ऑन स्क्रीन यूजिंग अ लाइट पेन. हम लाइट पेन से अपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट, आप यहाँ पे राइट करेंगे पैड पे, आप राइटिंग कर रहे हैं कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डाटा, कोई भी न्यूमेरिक नंबर आप राइट डाउन करेंगे और आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर बिल्कुल डायरेक्टली शो होगा. इट कैन बी सिलेक्टेड बाय सिंपली पॉइंटिंग द लाइट पेन एट इट. मोस्टली डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट यूज अ लाइट पेन इन वेरियस फील्ड. ये बेसिकली हमारे किस लिए होता है, डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूजफुल है. ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे पेन दिखाई दे रहा है ये डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट आई एम टेकिंग योर स्कैनर. अ स्कैनर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसफर और स्कैन टेक्स्ट इमेजेस और हैंड ड्रॉन फोटोज इन अ कंप्यूटर. देखिए स्कैनर क्या काम करता है, टेक्स्ट इमेजेस और हैंड ड्रॉन इमेजेस जो भी हम हैंड से ड्रॉ करते हैं उन्हें स्कैनिंग का काम करता है. ठीक है, आप अगर सिंपली किसी को इमेज सेंड कर रहे हैं और एक आप स्कैनिंग से, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे. इमेजेस हमारी काफ़ी क्लियर आएंगी स्कैनिंग से, कलर काफ़ी खिल के आएगा, ब्राइट आएगा और इमेज की जो हमारी रेजोल्यूशन है वो एज इट इज़ रहेगी, ख़त्म नहीं होगी. और सिंपली आप क्लिक करके फोटो सेंड करते हैं तो आपकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आएगी. ठीक है, डेट्स वाई वी आर यूजिंग स्कैनर. नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर वेब कैमरा. अब वेब कैमरा को हम क्या बोलते हैं, वेब कैम. जी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं बेटा, यू हैव टू जस्ट मार्क इट एंड राइट इन योर नोटबुक. यहाँ पे वेब कैमरा की अगर मैं बात कर रही हूँ, वेब कैम इज अ डिवाइस डेट इज यूज टू टेक इमेजेस
लेने के लिए, जैसे आप फोटोज लेते हैं, ठीक है, ऐसे ये काम करता है एज अ पिक्टोरियल इक्विपमेंट विच कैन बी सीन ऑन कंप्यूटर. आप देख सकते हैं जो सामने आपको यहाँ पे शो हो रहा है द इमेजेस, और ये बिल्कुल मिड स्क्रीन पे आपके लैपटॉप में भी होता है. आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं. विच कैन बी सीन ऑन योर कंप्यूटर द इमेजेस टेकन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अदर यूजर यूजिंग इंटरनेट. देखिए जो आपने इमेजेस ले रखे हैं वो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये हमारा पिक्टोरियल इक्विपमेंट है. आप पिक्चर्स लेके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं थ्रू एनी रिसोर्स. नेक्स्ट माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस. माइक्रोफोन भी मेरा एक इनपुट डिवाइस है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस. वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है, म्यूजिक को रिकॉर्ड करने का, म्यूजिक को ट्रांसफ़र करने का, शेयर करने का, और हमारी साउंड को कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है? माइक्रोफोन. नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा इज अ डिवाइस. डिजिटल कैमरा मेरा कैसा डिवाइस है? डेट इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स इन डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म में लेने के लिए आपने देखा होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कैमरा. दीज कैन बी प्रिंटेड एंड व्यूड इंस्टेंटली. ये आपकी इमेज साथ के साथ आपको दिखा देता है. जो हमारा डिजी कैम ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड अ वीडियो विद साउंड. ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी मीन्स एज अ शूटिंग पर्पज यू कैन यूज इट. अब यहाँ पे देखिए कि रिगार्डिंग दिया हुआ है कि हमारा माउस क्या है. माउस की अगर मैं बात करती हूँ, हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट. माउस मेरा क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है. मैं यहाँ पे इसके सामने आपको लिखना है माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ओनली वन लाइन इनफ फॉर इट. नेक्स्ट लाइट पेन. लाइट पेन क्या काम करता है? लाइट पेन मैंने आपको क्या बताया था? डिजाइन द. आप कुछ भी डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, कोई वैसे आप आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट डिजाइन. ओके. नेक्स्ट स्कैनर. स्कैनर किस लिए यूज होता है? फॉर स्कैनिंग द इमेजेस. सो इट इज यूज्ड फॉर scanning the images. Next, webcam. Webcam किस लिए यूज होता है? हमारी pictures को लेने के लिए यूज होता है. सो हेयर आई टेक webcam. webcam को हम यहाँ पे लिखते हैं. It is used for taking pictures. ऑल राइट. देखिए माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. नेक्स्ट वन लाइट पेन. इट इज यूज फॉर क्रिएट डिजाइन. नेक्स्ट स्कैनर. इट इज यूज फॉर स्कैनिंग द इमेजेस. वेब कैम. इट इज यूज फॉर टेकिंग पिक्चर्स. आगे देखते हैं हम. आउटपुट डिवाइस की बात करें. आउटपुट डिवाइस मेरे कौन से आउटपुट डिवाइस आर द डिवाइस डेट आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट फॉर्म द कंप्यूटर. देखिए आउटपुट शो करने के लिए यूज होते हैं आउटपुट डिवाइस. अब आउटपुट डिवाइसेस के हम एग्जांपल करेंगे. देखिए आपको जो मैं चैप्टर डिलीवर कर रही हूँ ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है. ये भी आप जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है. मॉनिटर की स्क्रीन को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. द मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस. ये हमारा काफ़ी मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस है. इट इज ऑल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड. इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसकी फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है. विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये हमारी फुल फॉर्म है VDU की. इसे हम VDU भी कंसीडर करते हैं. द आउटपुट स्क्रीन ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. ये जो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है अंदर वाला, जहाँ पे आप देख रहे हैं कलरफुल एक इमेज क्रिएट हो रही है, ये मेरी सॉफ्ट कॉपी है. बिकॉज यू कांट टच.
आप इसे टच नहीं कर सकते, ओनली आपके लिए विजिबल है। तो ये हमारी क्या हो गई, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर वर कॉमन अर्लियर। पहले हम CRT का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, काफ़ी कॉमन थे। और अब हमारी काफ़ी कॉमन क्या हो गई है, LCD। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन हैव बिकम पॉपुलर। तो ये हमारी किसकी टाइप है बेसिकली, ये हमारी मॉनिटर की ही टाइप है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंटर। अब प्रिंटर यहाँ पे देखो आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है प्रिंटर की, इट इज विजिबल टू यू। ये जो हमारा राइट साइड में है, नाउ अ प्रिंटर इज अ डिवाइस डेट अलाउ यू टू डिलीवर द कॉपी ऑफ योर वर्क ऑन द पेपर। आपका कुछ भी वर्क हो आप उसे हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। मैंने सॉफ्ट कॉपी की बात करी, यहाँ पे अब मैं बात कर रही हूँ आपकी हार्ड कॉपी की, ठीक है। तो हार्ड कॉपी में अगर मैं किसी भी स्क्रीन की बात कर रही हूँ कि वो हार्ड कॉपी मेरा क्या है, तो हार्ड कॉपी यहाँ पे मेरा क्या है, प्रिंटर से निकला हुआ कुछ कोई भी आपका एज अ प्रिंटेड फॉर्म पेज, वो आपकी हार्ड कॉपी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम टेकिंग हियर कि हमारे कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से हैं प्रिंटर के, डेस्कटॉप की मैं अगर बात करती हूँ, डेस्कटॉप पे मेरा जो इंकजेट या डेस्कजेट प्रिंटर है वो आएगा, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। ये साइज़ के हिसाब से हैं, ये बड़े प्रिंटर कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्पीकर एंड हेडफोन्स। स्पीकर भी मेरा किस में आता है, आउटपुट की कैटेगरी में, क्योंकि हमें ये वॉइस का आउटपुट देते हैं, ठीक है। डेटा आर यूज टू गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दे आर यूज टू प्ले म्यूजिक फ्रॉम अ कीबोर्ड।